नमस्कार, मैं मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर आज की खबर पर। महाराष्ट्र सरकार राजनीतिक और न्याय व्यवस्था को सुबोधित देने की मन्नत मांगते हुए सांगली के 32 शिरला गांव के ग्रामीणों ने गांव के अंबा माता मंदिर में महारुद्र अभिषेक किया है। नाग पंचमी के दिन जिंदा नाग की पूजा के लिए सांगली का 32 शिरला गांव पूरे महाराष्ट्र में मशहूर है, लेकिन प्राणियों के साथ क्रूरता का मुद्दा उपस्थित करते हुए प्राणी मित्रों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उस याचिका पर निर्णय देते हुए न्यायालय ने जिंदा नागों की पूजा पर पाबंदी लगाई है। 32 शिरला गांव के सैकड़ों सालों की परंपरा पर पिछले 15 साल से रोक लगी है। इससे 32 शिरला गांव के लोग नाराज हैं। उन्होंने राज्य सरकार को कानून में बदलाव कर उन्हें दोबारा जिंदा नागों की पूजा करने की छूट मांगी है। आज का जो दिन है, हमारे गांव के, हमारे मुल्क के बगल के सब लोग इकट्ठा कर ये त्योहार पूर्व शुरू होने के लिए, या गाँव की जो नगरी की जो पूर्ण देवता है अम्बा माता, उसको रुद्राभिषेक बनाया है, या रुद्राभिषेक लिए हमारे यहाँ के मंत पीर पारसनाथ जी महाराज को बुलाया है, और उसके हाथ से ये पवित्र त्यौहार आज उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। हमारी भगवान को ये प्रार्थना है, शासन को विनती है, 5000 साल से पुराना चला हुआ ये हमारा त्यौहार पूर्व पीठिका की तरह से शुरू हो जाए, ये हमारी विनती। लेकिन उनकी मांग मंजूर नहीं हो रही, इसलिए ग्रामीणों ने गांव के अंबा माता मंदिर में महारुद्र अभिषेक कर सरकार को सात बुद्धि देने की मन्नत मांगी है। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने मीडिया से बात के सवाल, योगी सरकार को एक महीना पूरा होने पर आजम खान ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए जो भाषा बोली जाती है वो चुनाव जीतने के बाद नहीं बोली जाती है। जो सरकार और सत्ता में आने के बाद ये शब्द बोलते उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। योगी जी ने कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, जो शब्द वाली हुए मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, तलाकशुदा औरतों के लिए, या जो तलाक चाहती है उनके लिए जो शब्द वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं उससे सिवाय गुरुना के कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को इतना तंग कर रहे हैं कि इतना अपमानित कर रहे हैं, यह अपमान कुछ ज़्यादा हो रहा है। इतनी अभद्र भाषा द्रौपदी कहकर मुखातिब करना मुस्लिम महिलाओं को, शरीयत को, इस्लाम के, ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। सवाल शिवपाल यादव ने, अखिलेश यादव को 3 महीने का समय पूरा हो गया, इस पर आजम खान ने कहा वो जाने माने तो बोला नहीं है, जिसे बोला वह जवाब देंगे, किसने किया कहा हम वो कुछ कर चुके हैं और थक चुके हैं सब चीजों से। अभी वही वो जाने मैंने तो बोला नहीं, जिसने बोला है वही जवाब देंगे, हम इसके लिए किसी के लिए जवाब देने है। किसने क्या कहा, हम बहुत कर चुके हैं और बहुत थक चुके सब चीजों से। योगी के एक कानून वाले बयान पर बोले आजम, तलाक पर भी कानून लाने से कौन रोक रहा है, आजम खान सती प्रथा द्वारा लागू कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है, तलाक पर भी कानून लाने से कौन रोक रहा है, सती प्रथा दोबारा लागू हो इसके लिए कौन मुसलमान मना कर रहा है, सती प्रथा तो हिंदू धर्म है, लागू करें, सारे अपमान, सारी जिल्लतें, सारे मशवरे, सारी गालियां सिर्फ मुसलमानों के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए, शरीयत इसके लिए कौन मुस्लिम मना कर रहा है, सती प्रथा तो हिंदू धर्म से ही लागू है। आजम खान सारे अपमान, सारे मशवरे, सारी जिल्लतें, सारी गालियां सिर्फ मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं के लिए, शरीयत के लिए है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। बहराइच में सफाई कर्मी की पिटाई व अभद्रता से सफाई कर्मियों ने रोड जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में छोटी बाजार मोहल्ले में सफाई कर रहे सफाई कर्मी से स्थानीय अरुण नामक युवक ने अभद्रता कर मारा, जिससे गुस्साए सफाई कर्मियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कारण ये है भैया कि हम लोग इस एरिया में काम करते हैं, ठीक है, हम लोग इस एरिया में काम करने, रेगुलर कोई ना कोई
कोई लड़का आता है काम करने, सफाई कर्मचारी हम लोग, ठीक है, तो हम लोग कोई ना माने पर डे एक लड़का इस रूटीन पे काम करने आता है। तो यहाँ पर काम करने के लिए ट्राली आई है, ट्राली मैंने कूड़ा उठा रही थी गली का, आए दिन भैया एक गली में कूड़ा रहता है, तो कूड़ा उठ रहा था, मगर फिर भी अगले ने मैंने ये बात को स्पष्ट किया है कि यहाँ पर कूड़ा नहीं उठता है, ठीक है। इस बात को हमने सभासद से ही बताया गया, भैया ने आके इंक्वायरी की, अपनी जांच की कि हाँ उठा कि नहीं उठा, रेगुलर उठता है भैया कूड़ा। अगले ने इसके पहले भी मैंने कूड़ा गिरा कर, कूड़ा घर से गिरा कर, उसके बाद अगले ने उसका मैंने वीडियो बनाया, और उसने वीडियो आपने किसने देखा, किसको, हमसे कोई मतलब नहीं, मगर जब रेगुलर काम हो रहा है तो आप उसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, यदि आपको कोई दिक्कत है क्या हस्तक्षेप, मैंने हमें काम करने में दिक्कत। अरुण, अरुण कौन है भैया? अरुण ये यहाँ का मैंने यहाँ का एक रहने वाला पब्लिक है, हमसे मतलब है कि आपको कोई हमसे दिक्कत हो, हमसे कोई परेशानी हो, तो हमारे अधिकारी से आप कह सकते हैं, वो ना सुने उनके ऊपर है अधिकारी, उनसे कहते जाती वो ना सुने, आप चेयरमैन मैंने ये सब है, आप उनसे शिकवा शिकायत कर सकते कि हमारे आपको कर्मचारी को हमने कहा, हमने कर्मचारी को कहा वो काम के लिए, उसने सुना नहीं, तो इसका मतलब ये कि आपके हम गर्दन पकड़ लेंगे, मारेंगे, ये क्या हम लोग क्या बिल्कुल मारा भी है क्या है? गर्दन पकड़ लिया है, जिस लड़के को पकड़ा गर्दन वो नगर पालिका गया है सर के पास कोतवाली के लिए कि FIR के लिए, क्यों मार देंगे आप? इसके पहले भी एक लड़का आया था काम करने के लिए, आप लोग इस तरह से जाम लगाए रखेंगे, क्या मांगे हम लोग? सिर्फ मांग ये है कि अगले को पकड़ के ले जाया जाए, और अगले के संग हमारा बिल्कुल न्याय होना चाहिए, हम लोग हमें न्याय चाहिए। आप लोग यहाँ पर जाम लगाए हुए हैं क्या कारण? हमारे लड़के को यहाँ मारा था काम करे लिए, कहीं काम करो कहीं नहीं करे दी थे काम, बोली देखा था। अरुण कौन है? अरुण, अरुण यहाँ था भाई, आपके बेटे क्या करते हैं? मारते हैं ड्राइवर के यहाँ बीमारी। आपके बेटे क्या करते हैं? तीन दफा हो चुका है भाई बाबा, दफेदार का भी गोली वोली मारे, दफेदार का गोली मारेगा ना, मार दे देंगे। जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण किया, सफाई कर्मियों का जाम नगर पालिका अध्यक्ष ने कर्मियों को समझा बुझा कर हटवाया, जाम की वजह से मुख्य मार्ग घंटों बाधित रहा। उत्तर प्रदेश के बहराइच से नूर आलम वारसी की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के राजमऊ गांव का है, जहां दो मोटरसाइकिल आमने सामने टकरा गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जब चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मेरा भाई खत्म हो गया और भी कई लोग घायल हो गए, जिसके जरिए मतलब यहाँ भी गाड़ी कोई नहीं आई मदद के लिए, भी गांव वालों ने मतलब मदद की है, और मतलब गाड़ी के कोई पुलिस वालों का 100 नंबर का कोई नहीं अभी आया, यहाँ एक घंटे हो गए हमको यहाँ। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से शिवशक्ति सैनी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के लोक नायक बालासाहेब देसाई की 34वीं पुण्यतिथि को लेकर विधायक शंभूराजे देसाई और कार्यकर्ताओं ने निकाली गौरव यात्रा। इस गौरव यात्रा का मुख्य आकर्षण था, इसमें शामिल हुए चित्र रथों पर लोक नायक के कार्य को दिखाया गया था। ये गौरव यात्रा का जुलूस पाटन तहसील के मुख्य रास्तों से गुजर रहा था। इस गौरव यात्रा में विधायक शंभूराजे देसाई के साथ जिला पंचायत सदस्य, नगर पार्षद, महत्वपूर्ण संस्थाओं पदाधिकारी शामिल थे। लोकनायक की इस पुण्यतिथि को लेकर सप्ताह भर के कार्यक्रम का आयोजन दौलत नगर यहाँ किया गया। इसमें धार्मिक एवं कृषि विज्ञान जैसे कार्यक्रम शामिल है। सन 1967 के नैसर्गिक आपत्ति में लोकनायक का काम एक अहम कार्य करके महाराष्ट्र राज्य में जाना जाता है। लोक नेते बाबासाहेब देसाई 34वीं पुण्यतिथि सोहळा निमित्ताने तत्पूर्वीच्या अगोदर ज्ञानेश्वरी पारायण, चित्ररथ आणि पालखी सोहळा संपूर्ण पाटण तालुक्यामध्ये माननीय आमदार शंभूराजे देसाईंच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येक वर्षी साजरा केला जातो, त्याचा आज पाटण शहराच्या मध्ये आगमन झालं। पाटण शहरामध्ये पंचायत समिती आवारामध्ये 20वा आणि पालखीचं दर्शन आणि त्यांचं स्मरणासाठी सर्व कार्यकर्त्यांनी 2 मिनिटं शब्दता पाळून त्यांना आदरांजली वाहिली। लोकनेत्यांचा वारसा पुढे शंभूराजे देसाई अविरतपणे चालवत आहेत, परंतु यानिमित्ताने लोकनेत्यांनी जे तालुकाभर 1952 ते 1983 31 वर्ष या तालुक्याचं प्रतिनिधित्व करत असताना विविध खात्यांची जी मंत्रीपदी भूषवली आणि त्यावेळी त्यांनी संबंधीचे निर्णय घेतले,
त्यामध्ये ईबीजी सवलतीपासून गृह मंत्रालयापासून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्यांनी जी भरीव कामगिरी केली आणि लोकनेते हा किताब अख्ख्या महाराष्ट्राच्या जनतेने त्यांना दिला, त्यांनी केलेला विकास आणि त्यांनी केलेले समाजावर केलेले समाजसेवा त्यातून पायउतार होण्याकामी त्यांची एक आठवण म्हणून अख्खा पाटण तालुकाच नव्हे तर महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारनेसुद्धा त्यांचा जयंतीचा कार्यक्रम साजरा करण्याचं पुण्यतिथीचा कार्यक्रम साजरा करण्याचं अख्ख्या महाराष्ट्र राज्याने ठरवलेलं आहे. त्यानिमित्ताने हा आढावा मी तुमच्यासमोर मांडत आहे. ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं विविध कार्यक्रम साजरे केले जात आहेत, त्यामध्ये कृषी प्रदर्शन असेल, शेतकऱ्यांना विविध मार्गदर्शन असेल, त्यानंतर पालखी सोहळा, ज्ञानेश्वरी पारायण असे विविध प्रकारचे कार्यक्रम ह्या तालुक्यामध्ये संपन्न करून तालुक्याच्या युवकांना शेतीविषयी मार्गदर्शन करणारे विविध कार्यक्रम व्याख्यानं राबवली जाणार आहेत. याचा सर्व तालुक्यातील लोक लाभ घेतील आणि सर्वांगीण तालुक्याचा विकास होण्यासाठी सर्वसामान्य शेतकरी बंधू आणि सुशिक्षित शेतकरी बंधू याचा लाभ घेतील अशी एक मी अपेक्षा या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं व्यक्त करतो आणि त्यांना पुन्हा एकदा लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांना आदरांजली पर प्रस्तावित मी माझे संपवतो. भूकंप में तबाह हुए परिवार का एक मुख्य सहारा रह चुके हैं लोकनायक. ऐसे लोकनायक के जनसेवा का कार्य उनके पोते विधायक शंभू राजे देसाई बखूबी निभाते दिखाई दे रहे हैं. महाराष्ट्र के सतारा से अरविंद यादव की रिपोर्ट. मुरादाबाद में थाना कटघर के रहमत नगर गली नंबर 5 में जिस्म फरोशी का मामला सामने आया है. ये खुलेआम जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा है. हैरत की बात तो ये है कि ये सब एक मस्जिद के सामने चल रहा है. पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना है कि किराए के मकान में रहने वाला दाऊद अपनी पत्नी व बाहरी लड़कियों को लाकर अनैतिक देह व्यापार का धंधा कराता है. आए दिन ये ग्राहक मस्जिद में शराब की बोतल फेंकते हैं. लोगों ने काफ़ी हंगामा किया. भूरा उर्फ शब्बू निवासी लंगड़े की पुलिया थाना गैलशीत में इस धंधे में शामिल है और मकान का मालिक भी यही लड़कियों को बाहर से लाकर खुद अपने मकान में ये सब करवाता है. लोगों में काफी गुस्सा है. इस धंधे की शिकायत पुलिस से भी की लेकिन ये अभी तक बंद नहीं करवाया गया. टाइम हो गया यहाँ पे धंधा चलता कौन है कौन लोग पता नहीं. सब किरायेदार है और जिन लोगों ने बड़ों ने ले रखा उनका हाथ इनके ऊपर वही छुटा लेते हैं वही पकड़वा देते हैं अगर कहो तो. लेकिन समझा देते हैं फिर वही काम होता हमें सब मालूम है. लेकिन ये सब वो बड़े लोग कौन है कोई नाम मालूम है. बड़े लोग ये सभी हैं जिनके ये मकान है जिन्होंने खरीदे बुरा हैं और ये हाजी इरफान है खरीदा था उन्होंने बेच दिया. हाजी नासिर को हमने सुना लेकिन ये पता सब ये यही लोग हैं. हम तो लोग परेशान है भाई इनके और भी बराबर पकड़े जा रहे हैं भाग रही. आप क्या चाहते हो कभी शिकायत की थाने में इसकी. हमने बतेली से बात की भूरा भाई से. भूरा भाई नहीं आते ही नहीं यहाँ पे. वो फोन करता करा उनको रात दिए मैंने कहा भूरा भाई आओ तो वो ये कहते बोले ना अच्छा आ रहा है तो आते नहीं. भाई भूरा भाई को भी बुलवाया जाए. भूरा भाई को बुलवाया और हमने तो फिलहाल तो हमने देखा नहीं समझे. जो सुना वो आपके सामने तो इन्होंने बता दिया. हमने मतलब बुलाया हमने तो इस बात को देखा. लोगों ने कहा ऐसे बात हुई मई को वो तो फेंकना बहुत इधर भी जा रही. मोहल्ले वालों का कहना है कि जिस्म फरोशी का धंधा बंद नहीं करवाया तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा. पुलिस को तहरीर दे दी गई है. अब देखना होगा कि कब तक पुलिस इस धंधे को बंद करवाती है. उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से अनिल कुमार सागर की रिपोर्ट. प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस को लेकर योगी सरकार प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई करने की बात कह रही है लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में स्कूलों में एडमिशन शुरू हो चुका है और प्राइवेट स्कूलों में जमकर धांधली व मनमानी की जा रही है. अगर कोई अभिभावक स्कूल प्रशासन से सवाल करे तो उसके साथ दबंगई दिखाई जाती है. ऐसे ही एक दबंग प्रिंसिपल को दिखाते हैं जो अभिभावकों से दबंगई कर मीडिया से विवादित बयान देती है. बढ़ती फीस को संज्ञान में लेते हुए भाजपा के घोसी लोकसभा सांसद हरिनारायण राजभर ने मऊ शहर के शहादतपुरा इलाके में स्थित अमृत पब्लिक स्कूल में छापा मारा जिसमें पता चला कि यहाँ की प्रिंसिपल माया सिंह द्वारा छात्र छात्राओं के परिजनों से रीएडमिशन व मनमानी फीस वसूला जा रहा है. इस मामले में सांसद ने प्रिंसिपल से पूछताछ किया और प्रिंसिपल ने अपने सर को टिकरा जिला विद्यालय निरीक्षक कर फोड़ दिया और कहा कि जैसा वहाँ से निर्देश आएगा हम लोग करेंगे. वही फीस में बढ़ोतरी को लेकर अभिभावक और प्रिंसिपल में तू-तू मैं-मैं हो गई. फिलहाल प्रिंसिपल का जवाब संतुष्ट ना पाने से सांसद ने जांच कर कार्रवाई की निर्देश दिए हैं. जबरदस्त कार्रवाई होगी. हमारी सरकार ने हर चीज का सीमा निर्धारित कर दिया है. प्राइवेट में सरकारी में जो सब ऊपर लोग ले रहे हैं चाहे पहले की तरह सब चीज़
अभी भी बढ़ोतरी पर है, तो जहाँ जहाँ शिकायत मिल रही है हम लोग छापा मार रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। चारों से अभी सबसे बड़ी बात है कि देने वाले कह रहे हैं कि इतना दिया, उनकी रसीदें हैं तो सारी रसीदें कलेक्ट की जा रही हैं और जाँच होकर कार्रवाई होगी। वही हमने कई अभिभावक से बात किया तो उन्होंने बताया कि हमने अपने बच्ची का कक्षा 7 में एडमिशन कराया है और अमृत पब्लिक स्कूल द्वारा 8,400 रुपये लिया गया है। जब मीडिया ने प्रिंसिपल माया सिंह से सवाल किया तो उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि स्कूल चलाएंगे तो फीस लेंगे ही ना, दे रहे कि फीस आप इतना नहीं, इतना लीजिए, ये करिए वो करिए, तो संस्था फॉलो करेगी डिवाइस अभी से हमको जो राइट मिलेगा हम बिल्कुल फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि कोई अपनी मर्जी से कोई काम करे, स्कूल चलाएंगे तो फीस लेंगे ना। फिलहाल ये जवाब सुनकर सांसद सहित अभिभावकों का होश उड़ गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ से विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा खबरों के साथ। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन भी कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर। नमस्ते।